प्रिया धीर रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी, लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने जब भी गाली दी जनता ने सजा दी। दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन मामले में एलजी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन को लेकर बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, दो जवान हुए शहीद। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अतीक अहमद ने पुलिस हिरासत में खुद पर हमले की रची थी साजिश, पुलिस ने जांच में किया खुलासा। मुख्तार अंसारी दोषी करार, मिली 10 साल की सजा। पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पर पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बजरंग पूनिया ने कहा, हमें पुलिस ने FIR की कॉपी दे दी है। पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बोली, आज पहलवानों की बात कोई नहीं सुन रहा, इस्तीफा दे ब्रजभूषण सिंह। महिला अधिकारियों के पहले बैच को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में किया गया कमीशन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में उधारी के पैसे की लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के केस में सासाराम से बीजेपी के पूर्व MLA जवाहर प्रसाद हुए गिरफ्तार। देश में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 7,171 लोग हुए पॉजिटिव। सूडान में फंसे 135 भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-130J विमान जेद्दा के लिए रवाना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।